मामला काफी हद तक मुकम्मल हुआ और अब हम चलते हैं प्राइवेट हज स्कीम की तरफ। जैसे कि आपको इलम है कि 40% कोटा सरकारी हज स्कीम का था और 60% यानी 60% कोटा जो है वो प्राइवेट स्कीम्स को दिया गया है और 81,132 अफराद जो है वो पाकिस्तान से हज के लिए जाएंगे, उनको इजाजत दी जाएगी, दे दी गई है। अब हम चलते हैं जो 60% कोटा प्राइवेट हज स्कीम के तहत दिया गया है उसको, उसके लिए गवर्नमेंट ने बुकिंग की इजाज़त दे दी है और उनकी लिस्टें जो हैं वो उन अपनी वेबसाइट पर लगा दी हैं। हम आपको इसकी तफसील से आगाह करते और बताते हैं कि किस तरह से आप इन लिस्टों में उन इदारों के नाम जान सकते हैं और बाकी सारी तफसील जानते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब चलते हैं हम वीडियो की डिटेल की तरफ। यहाँ हम जाते हैं गूगल, आपने ओपन किया, गूगल के अंदर जाकर आप कर लिखेंगे जी www.hajinfo.org। इस पे हमने इंटर कर दिया, हमारे पास ये वेबसाइट खुल गई है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ये देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट खुल गई है। इसकी तफसील हम आपको बताते हैं लेकिन सबसे पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में इंग्लिश भी है, अगर आपको उर्दू में पढ़ना आसान लगता है, समझना आसान लगता है तो आप उर्दू की लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लें, अब सारी चीजें आपके पास उर्दू में आ जाएंगी। यहाँ पे है जी हाजी कैंप के हवाले से तमाम तर तफसील, ठीक है, ये हम बाद में आपको बताएंगे। बैंकों के लिए तफसील है, इनके अपने कॉन्टेक्ट हैं और इसके अलावा इसमें शिकायत भी है, बाद में इसकी तफसील हम आपको बताएंगे इसके अंदर है क्या क्या। अभी हम चलते हैं सिर्फ प्राइवेट हज स्कीम की तरफ। यहाँ है स्कीम HGO, यहाँ हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए तमाम तफसील सामने आ गई है और उर्दू में आ गई है जो आपके लिए बहुत आसान होगी। ये देखिए यहाँ लिखा है ये सर्विस फराहम करदा मुआहिदा है, इससे आप लोगों को इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, ये उन लोग के लिए है कि जो ये इदारे हैं, जबकि यहाँ आपके लिए सहूलत होगी ये है HGO हज 2022 और यहाँ पे है उनकी लिस्ट। तफसील देखिए, तफसील देखे पे हम क्लिक करते हैं जब तो ये वो सारी लिस्ट खुल के सामने आ जाती है जो 16 पेजेस यानी 16 पेजेस की है और अभी ये सामने आएगी, ओपन होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये PDF फाइल में है। अभी ये थोड़ा सा नेट इश्यू कर रहा है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ये जो है लिस्ट खुल के सामने आ गई है, ये लिस्ट है तकरीबन 16 पेजेस की, 1101 इनरोलमेंट से शुरू होकर आगे तकरीबन 6000 समथिंग है, तकरीबन 5,042-41 लोगों को, इदारों को ये अलाउ किया गया है कि वो हज की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे उन कंपनीज के नाम हैं और यहाँ पे उनकी उनको जो कोटा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी तादाद है। अब ये देखिए ये सारे नाम हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये सारी हज के हवाले से बुकिंग करेंगी, मुख्तलिफ रेट्स होंगे, मुख्तलिफ सहूलतें दी जाएंगी। आप जब भी किसी प्राइवेट इदारे को राबता करें और बुकिंग करने की तरफ जाएं तो कोशिश कीजिए कि पहले उस कंपनी को सर्च कर ले यहाँ जाकर कि क्या वो फ्रॉड तो नहीं, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंपनी है कि नहीं। अगर ये उसका नाम इस लिस्ट में शामिल है तो फिर आप
उस कंपनी के साथ बुकिंग करवा लें, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच जाएंगे और आपको बड़ी सहूलत रहेगी। इस और बाकी आपके अपना आपके अपने बजट के ऊपर है कि किस कंपनी का कितना पैकेज है और आप कितना अवेल कर सकते हैं, ये उसके बजट के ऊपर है। अब हम जरा चलते हैं वापस और इधर देखते हैं इस फहरिस्त के अलावा, यहाँ पे उस फहरिस्त का भी सारे तफसील मौजूद है कि जिन्हें गवर्नमेंट ने शो काज नोटिस जारी किए, ठीक है। ये देखिए, ये है शो काज नोटिस, ये शो काज नोटिस जारी हुए हैं जिस कंपनीज के, उसकी तफसील हम यहाँ पे देखते हैं। जब ये ओपन होता है तो हमें ये देखिए, ये जो कंपनी है इसका उसको शो काज नोटिस जारी हुआ, इसकी तफसील आप यहाँ पे देख लें कि कहीं आपको 100% यकीन हो कि आपने कहाँ जाना है, किस कंपनी को रब्ता करना है, किसको नहीं करना, किसको शो काज नोटिस जारी हुआ है और बाकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब वापस चलते हैं हम उसी वेबसाइट की तरफ, उसी पेज की तरफ। यहाँ पे है कि कौन सी ऐसी कंपनी है कि जिसको का हज कोटा गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया है। अभी तक दो ऐसी कंपनीज हैं कि जिनका हज कोटा मुअत्तल हो चुका है, वो अब बुकिंग हज के हवाले से नहीं करवा सकते। एक तो उनमें ग्लोबल हज है, मेसर्स ग्लोबल हज और उमरा सर्विसेज, और दूसरी है मेसर्स कारवान इस्लामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। बहरहाल आप इसकी तफसील यहाँ देख सकते हैं। ये आ गया उनका पूरा नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने जारी किया है इनकी सस्पेंशन के हवाले से। और अब हम जब दोबारा इधर जाते हैं तो इस दूसरी कंपनी का नाम भी हमारे पास सामने आ जाता है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट की इदारे की वेबसाइट पे है, लिहाजा इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये मुस्तनद है, ऑथेंटिक है और अप्रूव्ड है। अच्छा जी, ये हमने आपको बता दिया ये चीज़ें प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो आज़मीन हज अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं वो इस पेज पे ज़रूर जाएं, सारी मालूमात हासिल करें। ये हज 2022 के लिए अपडेटेड पेज है जी। इसके साथ एक और चीज़ भी है, हमने आपको हज के जो हज कोटा जिनका मुअत्तल हुआ वो कंपनीज बता दी। ये एक और है मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का आइन है। अच्छा, शिकायत का फैसला करने के लिए कमेटी की तश्कील भी दी गई है। कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, दरख्वास्तों के फैसले के हवाले से जो भी शिकायत होंगी वो इस कमेटी के अफराद के साथ शेयर की जाएंगी, और बाकी सारी डिटेल जो जो जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, आपको आसानी से इसमें डिटेल मिल जाएगी।